कई साल पहले द्वैता नामक एक वन में रहती थी एक चालाक लोमड़ी। एक दिन तेज भूख के कारण लोमड़ी पूरे वन में खाना के लिए ढूंढ रही थी। अंत में उसको एक मरी हुई जंगली भैंस मिली। अरे वाह, आज तो बड़ा अच्छा ही दिन है। मैं इस भैंस को 10 दिन तक मजे से खा सकती हूँ। परंतु इसकी चमड़ी तो बहुत मोटी है, मैं उसको चीर नहीं पाऊंगी। अब क्या करूं? उसी समय उस रास्ते से एक शेर गुजर रहा था। शेर को देखते ही लोमड़ी बोली, मेरे प्रभु, आप सही समय पर आए हैं। आइए, हम दोनों इस जंगली भैंस का मांस साथ साथ खाएंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और मैं केवल खुद से किया गया शिकार का मांस खाता हूँ। तुम्हें इतना भी नहीं पता? ऐसा कहकर शेर वहां से चला गया। कुछ समय बाद वहां एक बाघ आया। लोमड़ी सोचने लगी, ओफो, अगर ये बाघ इधर आया तो सब कुछ खा जाएगा और मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा। कुछ भी करके इसको यहाँ से भगाना पड़ेगा। हो लोमड़ी, हट जाओ यहाँ से। मुझे पता चला कि इधर एक जंगली भैंस है। चलो अब यहाँ से जाओ, ये भैंस अब मेरा है। जी, जैसा आप कहें। आपने सही सुना, परंतु इस भैंस को शेर चीने मारा है और मुझे यहाँ रखवाली के लिए ठहरने को बोला। वे किसी भी समय वापस आते होंगे, तो मैं यहाँ से चली जाऊं? क्या ये भैंस शेर जी का शिकार है? उनका शिकार खाने से बेहतर है मैं भूखा ही रहूं। ऐसा कहकर बाघ भी वहां से चला गया। कुछ देर बाद वहां एक चीता आया। लोमड़ी जी, क्या आपने इस भैंस को मारा है? मुझे बहुत भूख लगी है मेरे दोस्त, थोड़ा मांस मैं भी खा लूं। मैं तुम्हारी भूख समझ सकती हूँ दोस्त, परंतु ये भैंस शेर जी का शिकार है और मैं यहाँ केवल एक रखवाली हूँ। वह किसी भी समय वापस आते होंगे। एक काम करती हूँ, तुम मांस खाना शुरू करो। शेर जी जब पास आएंगे तब मैं जोर से चिल्लाऊंगी, तुम उसी समय भाग जाना। धन्यवाद मेरी दोस्त, इस जंगल में तुम जैसों की हमें बहुत आवश्यकता है। चीता भैंस की चमड़ी को चीरने लगा। उसी समय लोमड़ी चिल्लाने लगी, भागो मेरे दोस्त, भागो, शेर आ रहा है। ये सुनकर चीता वहां से तुरंत भाग गया। अब आराम से लोमड़ी ने पेट भर के अकेले अकेले मांस के मजे लिए।